उत्कृष्टं जैविकं वैज्ञानिकं विशिष्ट लेखन संपादन सेमुषी समन्वितं प्रखर वक्तारं सुमधुर स्वर स्वामिनं आचार्यं रंगनाथन वर्यं अहम् अभिवादे। नमस्कार। सेंट स्टीफेन्स कैम्ब्रिज जेएनयू इत्यतः उत्तरोत्तरं अध्ययनाध्यापनं सर्वं शोधादिकार्यं विहितवान् भवान्, अथ फॉर लव एंड ऑनर ईदृशानि पुस्तकानि विलिखितानि भवता। तर्हि एतावान् वर्तते विविधः परिवेशः भावतः, तर्हि किं ज्ञानविज्ञानागारं संस्कृतं प्रत्यपि भवान् रुचिम् आधत्ते? धन्यवाद। मैं संस्कृत मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी में ही बात करूँ। मेरा संस्कृत एक बहुत ही ज़रूरी भाषा है, लेकिन बहुत कम लोग अब उसको बोलते हैं। और आपको शायद ये पता ना हो या हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संस्कृत हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा था। और जहाँ तक वैज्ञानिक की तरह से अगर मैं सोचूं तो कोई भाषा जो है एक स्पीशीज़ की तरह होती है। स्पीशीज़ दे बिकम एक्सटिंक्ट ऑल द टाइम। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी भाषा अगर एक्सटिंक्ट हो जाए, इनफैक्ट हर साल बहुत सारी भाषाएँ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, लोग बोलना बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं उसके बारे में। तो मुझे लगता है वी मस्ट प्रोटेक्ट वर्क्स बिफोर वर्ड्स और वर्क्स मोर देन द वर्ड। संस्कृत भाषा में जो कालिदास ने इतने सारे उनके लेख हैं और जो बहुत सारे लोगों ने किया है, तो इससे पहले कि लोग भाषा को भाषा चली जाए हमारी कॉन्शियसनेस से, हमें जो उस भाषा में लिखा गया है वो पॉपुलराइज करना चाहिए। भवदीय बाल्यकाल परिवेशः अपि तत्र वैविध्यम् आधत्ते। माता पंजाब प्रदेशीय वा भवतः, अथ पिता तमिल प्रदेशीय, तर्हि एतयोः संयोगेन अपि संस्कृतं प्रति अथवा भारतीयं संस्कृतिं प्रति दत्तावधानः अधिकः? एक्चुअली मेरी जो माताजी थी वो बिकॉज वो दिल्ली से हैं, पंजाबी हैं, तो नॉर्थ में अगर आप देखें तो लोग ज़्यादा भाषा नहीं जानते। इसमें नॉर्थ के लोग मुझसे नाराज़ ना हों, बट ये सच है, मैं अपने घर की भी बात बता रहा हूँ, इंग्लिश, हिंदी, कभी पंजाबी। लेकिन जो साउथ से होते हैं, जैसे मेरे पिताजी थे, तो उनको 7 या 8 भाषाएं पता थी, संस्कृत भी आती थी उनको, बिकॉज साउथ की बहुत सारी भाषाओं में बहुत ज़्यादा संस्कृत होती है, मलयालम में, तमिल में, कन्नड़ा में, बहुत सारी। पर घर पर हालाँकि पिताजी, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में ही रहे हैं, तो पिताजी ने हिंदी सीखने की कोशिश करी, लेकिन माताजी ने कभी तमिल सीखने की कोशिश नहीं करी, तो हिंदी और इंग्लिश में ही बात होती थी। सुश्रुत प्रतिपादिता वर्तते शल्य क्रिया, तस्याः विषये बहु विवादः भवति, तत्र साइंस कांग्रेस इत्यत्रापि वस्तुतः तत् समीचीनं न वा अथवा किमपि यत्किमपि उक्तं तथाविधं वर्तते, तर्हि वैज्ञानिकाः सन्देहानाः भवन्ति, एवमेव बुद्धिजीविनः अपि आक्षेपन्ति यत् वस्तुतः तत् सर्वथा सत्यं नास्ति इति। परं भवादृशाः वैज्ञानिकाः ये सूक्ष्मातिसूक्ष्मस्तरीयं चिकित्साक्षेत्रं प्रति तत्र भवन्तः लग्नाः वर्तन्ते, मोलिक्युलर् मेडिसिन् इत्यत्र, तर्हि भवादृशाः वैज्ञानिकाः किम् अत्र कथयितुं शक्नुवन्ति? लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लोग कहते हैं एक्स्ट्रीम पे चले जाते हैं, एक कि सब कुछ भारतवर्ष में हुआ था, या वो लोग कहते हैं कि सब कुछ जो हुआ था पहले वो गलत था। दोनों तरह की बात है और दोनों बहुत गलत बात है। जो प्रूफ है जिसके बारे में, आप उसको आगे लाइए। और बहुत सारे आप और वैज्ञानिकों से आप सुनेंगे अभी कि इतना ज़्यादा आयुर्वेद पे काम हुआ हुआ है विज्ञान में, इनफैक्ट मेटलर्जी में, अभी भी अशोका पिलर की आप बात करें, अभी भी इट इज़ अ मिस्ट्री कि वो एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक। सो हमारी जो हेरिटेज है, साइंटिफिक हेरिटेज, मैथमेटिकल हेरिटेज, वो ग्लोरियस है, लेकिन ये नहीं कि हमने सब कुछ किया हुआ है, ये गलत बात। तर्हि शल्य चिकित्सां भवान् स्वीकरोति वा? कि तदा तस्मिन् काले शल्य चिकित्सा आसीत् वा न वा? यस्, तर्हि आसीत् इति। अस्तु, हरिद्रा, हल्दी इति वदामः सन् हिन्द्यां, टर्मेरिक इत्यस्मिन् विषये भवता अन्य सहयोगिभिः सह कार्यं विहितं वर्तते, वरं शोधकार्यं तत्, यदर्थं प्राशस्त्यमपि आप्तवान् भवान्, तर्हि किमत्र वैशिष्ट्यं, तत्र आयुर्वेदस्य प्रभावः कश्चन? या एक तरह से आप उसको कह सकते हैं, बिकॉज हल्दी में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कर्क्यूमिन है। इनफैक्ट 95% ओनली 5% ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज कर्क्यूमिन। तो जो प्रोफेसर गोवर्धन दास हैं, जिन्होंने माइकोबैक्टीरियम में 30 साल तक काम किया है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड लेवल की डिस्कवरीज करी हैं, स्टेम सेल और माइकोबैक्टीरियम का रिलेशनशिप, कोरिलेशन उन्होंने निकाला है, तो उनका ही ये मेन काम है जो ये बताता है कि जो कर्क्यूमिन है वो एक तरह से बायो एनहेंसर के रूप में भी आता है। और अगर आप नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड
जो आपकी रेजिमिन है एंटी माइकोबैक्टीरियम, उसमें अगर आप हल्दी डालें या कर्क्यूमिन एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट डालें, सो इट इज मच मोर एडवांटेजियस। प्रयोगशालासु जीवक चरक सुश्रुता दिभि यत् प्रतिपादितं तद् दिशा किमपि आधुनिकं कार्यं शोधकार्यं यदि जे एन् यू इत्यत्र न स्यात् अथवा कुत्रचित् बहिस्थे देशे न स्यात् तदानीं मन्ये आयुर्वेदस्य तथा यथा भवता उक्तं यत् शताधिक तथा विधा शालाः तत्र भवेयुः, परन्तु तथा न भवति यदा प्रयोगशालासु तासां तासां ज्ञानसामग्रीणां यदि अत्र प्रयोगं न कुर्मः। ट्विटर पे एक मीम चलती है कि आपने जो कहा वो समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा लगा सुन के, लेकिन मैं थोड़ा शायद समझ में आ गया है। विज्ञान जो है वो इंस्पिरेशन पे चलता है, वो आइडियाज़ पे चलता है, और मेरा ये मानना है कि कोई भी विज्ञान वैज्ञानिक को आप वैज्ञानिक नहीं कहेंगे अगर वो सिर्फ अपनी लैब में घुसा हुआ है और सिर्फ साइंस के बारे में सोच रहा है। हर जगह आपकी इंस्पिरेशन है। अगर आप किसी भी चीज़ को देख लें, औषधि जो हमारी रीत चली आ रही है भारतवर्ष में, अभी 2 साल पहले एक महिला है लक्ष्मी कुट्टी, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि उनके पास 500 ऐसी औषधीज हैं जो कि हर तरह की डिजीज़ को ट्रीट करती हैं। अब ये हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम में थोड़ा सा ये क्षमता हो है पर हम इस डायरेक्शन में सोचें कि हमें इस देश में कम से कम 100 लक्ष्मी कुट्टी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स चाहिए। उन्होंने तो औषधि निकाल दी, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? अब वो प्रोफेसर गोवर्धन दास जैसे लोग हैं, डॉक्टर शैलजा सिंह जैसे लोग हैं, वो ये इसमें निकालें, क्योंकि दवाई आयुर्वेदिक दवाई जिसमें 10 चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं वो अपनी जगह है, जो नॉर्मल जो फार्मा कंपनीज करती हैं वो उसमें से एक चीज़ निकाल लेती हैं। जैसे बार्क ऑफ अ ट्री से आपने क्लोरोक्वीन निकाली, उसको आप तो उसका एक ये एडवांटेज ये होता है कि वो मल्टी बिलियन डॉलर स्पिनिंग फिर हो जाती है। तो ये हमें आगे करना चाहिए, और इसमें हम ये 1950 और 60 के दशक में भारत नेचुरल प्रोडक्ट साइंस में नंबर 1 नंबर 2 पे था, वो हमने फिर वो खो दिया बीच में। ज्ञान विज्ञान वैभवम संस्कृतम वर्तते इति भवता पूर्वम उक्तम यत् सर्वमत्र नास्ति सर्वम अत्रैव नास्ति आधुनिकेपि सर्वं नास्ति। तर्हि ईदृशी समन्वयकरी बुद्धिः सर्वकृते स्यात् सर्वेषां पार्श्वे स्यात्, तदर्थम् आधुनिकः यः युवा वर्तते सोऽपि प्रेरितः भवेत्, तदर्थं कीदृशं परामर्शादिकं भवद्भिः प्रदातुं शक्यते? हर सब्जेक्ट को पढ़ें, हर सब्जेक्ट से इंस्पिरेशन लें। अगर आप साइंटिस्ट हैं, विज्ञान में जाना चाहते हैं, तो आपको ये हर जगह से चलते भी आदमी, आप नेचर को देखें, आप विज्ञान में और जो लोगों ने करा है वो चीज़ देखें, पर ये ज़रूर याद रखें कि जो सबसे बेस्ट आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा सिंपल होते हैं। आई थिंक आइंस्टाइन ने कहा था कि वही जीनियस आइडिया है जो कि आप 5 साल के बच्चे को समझा पाएं। तरी भवादृशं प्रखर वक्तारं संश्रुत्य अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति ते नूनमुपकृताः भवेयुः इति वयम् आशास्महे। अत्र भवता समयः प्रदत्तः संस्कृतकार्यक्रमार्थं, तदर्थं बहून् धन्यवादान् प्रयच्छामि। धन्यवादः।